Hi guys, namaste and welcome back to the part 2 of newborn essential. Part 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें related to newborn essential share किया है. इस part 2 में मैं share करूँगी beauty related product जो baby के लिए अच्छी होती है, जो मेरी pediatric डॉक्टर है उन्होंने सजेस्ट किया है. तो नंबर वन, मैं बेबी के लिए ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ. ये है सेबामेड का PH 5.5. ये बेबी शैम्पू है, ऐसा दिखता है ये वाला शैम्पू. दिस इज़ अ वेरी गुड शैम्पू फॉर डेलिकेट बेबी. आप डे वन से इसे यूज़ कर सकते हो. और शैम्पू मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ मेरी बेबी की. अगर आप शैम्पू कराते हो बेबी की तो शैम्पू के साथ हेयर को कॉम्ब भी तो करना पड़ेगा अगर आपके बेबी के हेयर्स है. तो ये वाला है लोबलैप का हेयर सेट. तो ये ब्रश और कॉम्ब भी आता है, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था अमेजोन हॉल में, तो वो आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं नीचे दे. नेक्स्ट मैं यूज करती हूँ सेबामेड का बेबी लोशन. ये वाला जो बेबी लोशन है ये सेबामेड का है. ये भी पहले दिन से आप यूज कर सकते हो, बेबी लोशन है. इसका भी पीएच 5.5 है. फिर आपको चाहिए होगा एक रैश क्रीम, ये भी सेबामेड का रैश क्रीम है. ये वाला रैश क्रीम बहुत बहुत अच्छा है. मैं आपको मैंने एक ब्रांड का डायपर यूज किया था मेरी बेबी के ऊपर, तो उसके बाद उसको रैशेज हो गए थे बहुत बुरी तरह से, तो वो रैशेज एक दिन था. ये वाला रैश क्रीम यूज किया था सेबामेड का उसके ऊपर, तो विद इन अ डे वो रैशेज गायब हो गए. मैं अपने बेबी के लिए कोई भी साबुन वगैरह यूज नहीं करती हूँ, मैं ये सेबामेड का बॉडी वॉश यूज करती हूँ. मैंने सोचा था पहले कि ये कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, तो मैंने ये खरीदा था. एंड दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बेबी के लिए खरीदा था स्किन केयर ब्यूटी रेंज में. तो ये वाला सेबामेड का जो प्रोडक्ट था ये छोटू सा था, बट ये काफी अच्छा है. मैं इसे अभी भी यूज कर रही हूँ और अभी भी खत्म नहीं हुआ. ये 50 ml का प्रोडक्ट है. बेबी के बॉडी और हेयर्स को मसाज करने के लिए जो ऑयल मैं यूज करती हूँ वो है ये क्यूटिप का वर्जिन कोकोनट ऑयल. आपको ऐसा 7 जो है छोटे छोटे से डब्बे मिलेंगे, तो इनमें से मैंने ऑलरेडी 4 यूज कर लिए हैं और 3 बाकी है. मतलब मैंने यूज नहीं किया, मेरी बेबी के ऊपर यूज हुआ है. बहुत अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल है. तो पहले के टाइम सरसों का ऑयल हम लोग यूज करते हैं. अभी के टाइम मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आइदर आप एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करो जो अच्छी क्वालिटी का हो, या फिर आप सेबामेड का जो बॉडी मसाज ऑयल है बेबी का वो यूज करो. तो मैंने ये वाला कोकोनट ऑयल यूज किया. मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड करती हूँ, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता है, तो बेबी घर में ही रहती है, बीबी मेरे साथ नहीं जाती है. उस टाइम के लिए मैं ये क्या करती हूँ, ये जो चीज़ है जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट पंप, ये मैनुअल ब्रेस्ट पंप है, ये वाला यूज़ करती हूँ. तो इसे इस जगह को हटा के आपको इसको यहाँ पे फिट करना है. तो ये लोबलैप कंपनी का है, ये 600 rupees के अंदर ही आता है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इसका अगर आप रिव्यू जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर अलग से वीडियो करूँगी 1-2 मिनट का, क्योंकि ये प्रोडक्ट एकदम भी अच्छा मुझे नहीं लगा. मतलब काम चलाओ का काम कर देता है, मतलब डॉक्टर के पास जाने का ऐसा. बट अगर आप ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके रखना चाहते हो किसी इमरजेंसी के लिए, देन दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गोना हेल्प यू, बिकॉज इससे पंप कर करके मैं थक जाती हूँ, बट निकलता कुछ ही नहीं है, इतना फालतू सा प्रोडक्ट है. तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पंप करके स्टोर कर रहे हो तो उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो ये वाला है मॉरिसन कंपनी का ये ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज पैकेट या बैग्स. ये कुछ ऐसा आता है और इसमें 10 ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स है, और ये BBA फ्री बैग्स है, क्योंकि प्लास्टिक में जनरली BBA होता है जो अच्छा नहीं होता है बेबी के लिए या हमारे बॉडी के लिए. और मैंने अभी तक सिर्फ एक ही स्टोरेज बैग यूज़ किया है, बिकॉज जो मेरा ब्रेस्ट पंप है वो ही इतने, तो एक ही दिन मुझे ओवरनाइट रखना पड़ा था, तो इसमें रखती हूँ. और वे ब्रेस्ट मिल्क को ना आप स्टोर करके फ्रिज के अंदर एटलीस्ट 5-6 days के लिए रख सकते हो. फ्रीज़र के अंदर आप 6 months के लिए स्टोर करके रख सकते हो. नॉर्मल टेम्परेचर में 4 hours के लिए स्टोर करके ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हो. तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझे करना, क्योंकि मैं उसके ऊपर ज़रूर सेपरेट वीडियो करूँगी, क्योंकि मैं अपनी बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क फीड करती हूँ, तो क्वेश्चंस हो सकती है, तो अगर है तो ज़रूर पूछ लेना. सारी ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो ज़रूर चेक कर लेना. नेक्स्ट जो 2 चीज़ें हैं वो मेरे लिए है. तो पहली वाली जो चीज़ है वो है ये प्लम का वेनिला बॉडी बटर. ये डी ओडोराइजिंग पिट क्रीम है, क्योंकि जनरली न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं उनकी मम्मियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आराम से नहाने जाओ जब मन करे तब, तो उसके लिए इमरजेंसी केसेस में ये वाला क्रीम बहुत काम आता है. एप्लीकेटर के साथ आता है और इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्मेल है, वेनिला स्मेल है,
तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, काम आ जाता है। 6 to 7 hours के लिए इसका जो स्मेल है वो रहता है आपके बॉडी में, आर्मपिट में। नेक्स्ट जो चीज़ मम्मियों के लिए बहुत एसेंशियल होगी वो है ये वाला, ये है क्लोविया बोटानिका का निप्पल बटर। क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा कि पहले टाइम की आप प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीड करने में, लैच अच्छे से नहीं होता है या फिर सोर ब्रेस्ट होते हैं या ब्रेस्ट से खून निकल आता है। मेरा तो ऐसा भी हुआ था, ब्रेस्ट से खून निकल आया था, तो इस वजह से एक निप्पल बटर बहुत काम आता है। तो रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा निप्पल बटर या जब भी आप फीड करो उसके बाद क्लीन करके अपने निप्पल्स को निप्पल बटर अप्लाई कर लो, उससे आप देखोगे आपके निप्पल्स को बहुत आराम मिलेगा और नेक्स्ट टाइम आप जब फीड करोगे तब उतना ज़्यादा पेन नहीं होगा और आप आराम से फील कर पाओगे, थोड़ा कम पे और पेन से भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए ये वाला निप्पल बटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मॉम्स, न्यू बॉर्न बेबीज़ के मॉम। तो मैंने सोचा इस वीडियो में से इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि मम्मियाँ अगर हेल्दी रहेंगी तो ही तो न्यू बॉर्न बेबीज़ भी हेल्दी रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मंगवाई थी वो ये है सेवलॉन, दिस इज़ अ डिसइंफेक्टेंट। जैसा हम सबको पता है ये एक सैनिटाइज़र है और सैनिटाइज़र बहुत एसेंशियल होता है न्यू बॉर्न के घर में, हर चीज़ को आपको सैनिटाइज करना होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी। सो बेबी के फेस क्रीम के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला सेवामेट का एक्स्ट्रा सॉफ्ट फेस क्रीम। ये बहुत ही अच्छा फेस क्रीम है, इसमें पैंथेनॉल है जो स्किन के लिए अच्छा होता है बेबी के। ये 50 ml का फेस क्रीम है और मैं इसको फर्स्ट डे तो नहीं, थर्ड डे से यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के ऊपर। नेक्स्ट और लास्ट जो चीज़ है गाइज वो है एक बेबी बटर, यानी जहाँ पे बेबी को नहलाया जाता है। बेसिकली पहले के टाइम गमलों के ऊपर नहलाया जाता है, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा फैंसी चीज़ क्यों ना यूज़ करें, तो ये वाला जो बटर है मैं ये वाला यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी कंफर्टेबली इसमें बेबी को बर्थ किया जा सकता है। वैसे आप एटलीस्ट 3 साल तक यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि आप देखो ये कितना बड़ा है। इसी के साथ गाइज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है गाइज प्लीज़ कमेंट में देना, प्लीज़ देना, क्योंकि मैं भी एक नई माँ बनी हूँ तो आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है। मुझे भी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है और हम सब एक साथ सीख सकते हैं। तो मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस।